हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो खिला में आज मैं फिर से आ चुका हूँ ब्लॉग में। आज मैं कई दिन बाद ब्लॉग आऊँ तो खिला में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज खिला में हम जंगल जाने वाले हैं क्योंकि इस टाइम पे अभी 6:30 बजे होने हैं। तो हम बहुत सुबह से अंदर में निकल गए, तो हम खिला में आधे जंगल में पहुँच के देख सकते थे, बिल्कुल घना जंगल है। और हम जाने वाले ऊपर, और खिला में हम जाएंगे ऊपर ऊपर। अभी तो मैं सिर्फ नीचे नीचे हूँ, तो मैं आपको ऊपर की पूरी दिखाऊंगा कि कैसा है। तो खिला में देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जंगल पूरी घना है। खिला में दिख नहीं रहा क्योंकि अभी अंधेरा है ना, इसलिए तो मैं आपको थोड़ी बात दिखाऊंगा। तो चलो हम चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। तो खिला में दोस्तों हम अब जंगल में पहुँच चुके हैं बहुत दूर। तो खिला में देख सकते हैं हम कितने दूर आ चुके हैं और बहुत दूर है। तो खिला में हम पानी पीने के रुके, देख सकते हैं हम पानी टैंकी है और यहाँ पानी बड़ा मुश्किल से पीना पड़ता ना, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक भी करने से जा सकते हैं। तो खिला में हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, अभी बहुत दूर, तो मैं आपको दिखाते रहूँगा एंड तक ब्लॉग। तो अभी थोड़ा उजाला हो चुका हुआ है, तो हम अभी चार बंदे तो हम जा रहे भी ऊपर, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा कि हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो खिला में पूरा बने रहना वीडियो एंड तक, तो मज़ेदार होने वाला है। तो चलो हम पानी पीते फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से, तो मैं दिखाऊँगा पूरा। खिला में देख सकते हैं आप पानी पीने के लिए बड़ा मुश्किल से तबलीग करना पड़ता है, देख सकते हैं रास्ता नीचे। और यहाँ से थोड़ा मिस्टेक भी हो गया था, जा सकते हैं खिला में नीचे, तो यहाँ थोड़ा ढंग का संभव पीना पड़ता है। तो खिला मैंने मुँह भी नहीं धोया, तो खिला में इसके बाद मेरी बारी आने वाली है। तो खिला मैं पीऊँगा और मुँह भी दूंगा क्योंकि मैंने मुँह ही नहीं धोया, देख सकते आप सुबह सुबह उठा तो आ गया मैं। तो खिला मुँह भी दूंगा, तो खिला मैं यहाँ पानी पीने का मेरी बारी आ चुके क्योंकि अंकल आ गए ना, अब मैं जाऊँगा पानी पीने। तो खिला में चलो मैं चलता हूँ पानी पीने मस्त से। तो खिला में देख सकते हैं हम पानी पी रहे अभी यहाँ। तो हम दे सकते हैं पानी, मज़ा आ गया भाई। तो खिला पानी पी लिया हमने ना, तो खिला मैंने पानी पी लिया और मस्त से मुँह भी धो लिया, दे सकते खिला में। इस टाइम में थोड़ा मैंने मुँह भी धो लिया तो मस्त पानी पी लिया। तो खिला में अभी हम जाने वाले हैं ऊपर और यहाँ सारे बैठे दे सकते खिला में। पीछे देख सकते हैं आप यहाँ तीन तीन बंदे बैठे हुए, तो हम चार खिला में और हमारे साथ एक छोटा सा भी है, बता नहीं सकता मैं। तो खिला में हम जाने वाले भी ऊपर, तो चलते हैं अब, फिर वो मिलते हैं ऊपर, ऊपर से दिखाऊंगा मैं। तो खिला मैंने आपको दिखाता हूँ, तो एक खाडू देख सकते हैं आप खिला में, और हम मैंने खाडू को पकड़ रहा ना, बहुत भारी है। तो खिला इसको ले जाएंगे और भाग रहा है, देख सकते हैं मेरी जिम्मेदारी को पकड़ने के लिए, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पा रहा ना। खिला मैं पकड़ रहा हूँ ऊपर तक, पूछे मत, मैं दिखाऊंगा आपको ढंग कैसे कहते। तो खिला में इसको देख सकते हैं, इसके साथ मैंने फोटो खींच लिया, तो सबसे पहले आ गया था उसको देख लेना। तो खिला में देख सकते हैं अभी अभी थोड़ा छोटा सा ना, तो इसका तो दया भी आ रही है। तो खिला में देख ले जा रहे हैं हम यहाँ से जंगल ऊपर, और तो मैं दिखाऊंगा आपको ऊपर हम क्या करेंगे। तो खिला में चलते हैं, कुछ देर नहीं करते, तो बने रहना वीडियो को एंड तक। मैंने पानी पिलाने की लाख, देख सकते हैं पानी नहीं पी रहा, ये देख सकते खिला में पानी नहीं पी रहा, अब इसको ऑफिस लेना पड़ना क्योंकि पानी नहीं पी रहा ना। खिला में गाइस देख सकते हैं आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहा है, बहुत बुरी बात कर रहा है क्योंकि पानी नहीं पी रहा ना, बहुत दूर चलना हमारे को। खिला में मैंने इस नाले में इसको पानी पिलाने के लाया ना, पानी नहीं पिला, देख सकते आप। तो चलो चलते हैं हम इसको लेके। तो खिला में ऊपर तक और देख सकते नदियाँ कितनी बड़ी है, तो खिला में छोटी छोटी नदी है, तो पानी पी ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है इसको यार। तो मैं ले जाता हूँ उसको, खिला में बड़ा बुरी बात होगी पानी नहीं पी रहा। तो चलो हम चलते हैं अब इसको लेके आगे। तो खिला में हम अभी बहुत ऊपर आ चुके हैं, और खिला में देख सकते हैं अगर मेरा खड्डू ना भाई, खिला में खुद ब खुद चल रहा है ये ऑटोमेटिक। और खिला में देख सकते हैं कभी नीचे जब और अपने भागता है ना, तो मेरे को थका दिया इसने बहुत, और पीछे देख सकते हैं तीनों के पीछे चले हुए ऐसे ही। तो खिला में मेरा से भिड्डू पकड़ने की जिम्मेवारी। तो खिला में धूप तो नहीं आया अभी, धूप आने के लिए बहुत टाइम है, देख सकते हैं जंगल में अभी हम इससे भी बहुत हार जाएंगे। तो खिला में अभी हम जाने वाले बहुत ऊपर, तो खिला में आपको दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हैं खिला में खुद ब खुद चल रहा है ना, थोड़ा आसान लगा तो मैं ब्लॉग बना पाया। तो खिला में पीछे भी देख सकते हैं आप मेरे, और आगे पीछे धूप पीछे देख रहा होगा आपको, ये धूप तो आ चुका है ना, वो काम मर गया, देख सकते खिला में। खिला में ये कहाँ फंस गया देख सकते हैं आप, चल वो कांटा फंस गया इसकी, देख सकते हैं कांटा फंस गया इसकी इसमें ना गर्दन पे। ओ यार सेट निकाल दिया खिला में, देख सकते हैं मैंने कांटा इसका फंस गया था इसे गर्दन पे। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करेंगे। तो चलो हम घुस चुके जंगल में, बहुत घना जंगल में, तो घुस दिखाता हूँ मैं आगे। मैं देख सकते हैं आप यहाँ से जाएंगे आडू खाडू, देख सकते हैं खिला में खुद खुद जा रहा है, और यहाँ जंगल देख सकते हैं बिल्कुल घना है, मतलब कि यहाँ अभी हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ सिंगल होता है नहीं है, वहाँ पे जाने वाले हम। तो खिला में बने रहना वीडियो यहाँ तक। खिला में देख सकते हो भाई क्या कीचड़ कीचड़ है नीचे, और यहाँ के चारों तरफ देख सकते हो सुबह सुबह की ऑक्सीजन बिल्कुल फ्रेश मिल। तो खिला में गाइज देख सकते हैं हम अभी आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से देख सकते बिल्कुल घना जंगल था, तो हम घना जंगल क्रॉस कर चुके हैं। अभी मेरे हाथ में देख सकते बैग है और खड्डू आगे है, तो हम पीछे चार बंदे, दो आगे तो दो पीछे, तो हम अभी जाने वाले। तो थोड़ा चढ़ाई में चढ़ के मतलब बोला नहीं जा रहा ना मेरे से क्यों चढ़ाई है ज़्यादा, तो अभी हम
धूप भी यहाँ नहीं घुसा क्योंकि नाले में धूप पता नहीं आता है कि नहीं पता है नहीं है। तो ऊपर ऊपर का और दिखाऊंगा कि मैं इधर की चारों तरफ से ये कैसा तो मौसम देख सकते हैं। बिल्कुल सुबह का मौसम है ये, बिल्कुल देखने में साफ सुथरा दिख रहा होगा आपको। और पीछे की ओर भी देख सकते हैं, फिर तो आगे भी देख सकते हैं। फिलहाल रास्ता तो बना हुआ है ना अभी, लेकिन चढ़ाई बहुत है भाई, चढ़ाई यहाँ 1-2 घंटे का रास्ता है। हम सुबह घर से 5:30 बजे निकले थे, अभी हमारे को 7 बज चुका है, 7-6 बजे बज चुका है। तो हम फिलहाल में भी बहुत थक गए, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया आज। तो हम ऊपर जंगल जाकर खाएंगे तो दिखाऊंगा आप हमें, हम जंगल जाकर खाएंगे अब ऊपर। तो हम खिले में भी पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि जहाँ से नज़ारा दिखता है चारों तरफ से, वो नज़र में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा। तो वीडियो को अच्छी तरफ से देखना और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं वीडियो जंगल के लेके आता हूँ रोज़, क्योंकि मेरे को जंगल का वीडियो बनाना अच्छा लगता है ना, इसलिए। तो हम देख सकते चारों तरफ से मौसम बिल्कुल भाई, जंगल और शहर का आप देख सकते हैं कितना फर्क होता है। जंगल में भाई बिंदु शानदार, कोई शोर शार कुछ नहीं है, बदल में जाएंगे बहुत शोर होता है। तो हम खैर में अभी रेस्ट करेंगे, जहाँ हम रेस्ट करेंगे वहाँ दिखाऊंगा आपको मैं कि हम कहाँ रेस्ट करते हैं और कैसे है, वहाँ पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं आगे की ओर। तो खैर में देख सकते हैं अभी हम यहाँ बैठ चुके हैं और यहाँ रेस्ट कर रहे हैं हम पत्थर के पास, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी और खड्डू ऊपर को बांधा हुआ है ना उसको, और हम आए बहुत दूर से भाई। नीचे मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से आए हम, और नीचे दिखाऊंगा जहाँ से घर दिख रहा होगा हम वहाँ से आए, वहाँ से भी नीचे, क्योंकि घर क्लियर नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या शानदार व्यूज है, आप भी आ सकते हैं घूमने, ऐसे देख सकते हैं इधर से चारों तरफ से मौसम, और यहाँ पत्थर जैसे ढाँ के नीचे कोई गिर गया नीचे जाकर सीधा। तो खिलाफ में इधर देख सकते हैं अभी हम पीछे की ओर है, और इधर की भी देख सकते हैं सारे चार जगह, तो इधर भी देख सकते हैं पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, मतलब थोड़े नंगे नंगे जैसे। और खिलाफ पार देख सकते हैं धूप, सुबह का नजारा साफ साफ नहीं दिख रहा, तो खिलाफ देख सकते पार का धूप, गांव दिख रहा होगा आपको वहां से आए नीचे बहुत दूर से। तो हम यहां से अभी हमें को लगेगा खिला में 1-1.5 घंटे, तो हम पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो मैं दिखाऊंगा वहां, वहां बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल भी एक डंडी भी नहीं होती, क्योंकि मैं यहां पहले एक बार जा चुका हूं तो बिल्कुल सिग्नल नहीं होती। तो खिला में यहां ब्रास पता नहीं क्या वो पेड़ बोलती है उसको, खिला में वो पेड़ भी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस पेड़ को। तो खिला मेरे सामने ये पेड़ देख सकते आप, ये वाला पेड़ है ब्रास लगती है इसमें अभी नहीं है फुल। तो खैर मैं और पर घूमने आ गया ना, आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल यार मजे आ रहे हैं जंगल में, मजे भाई कुछ ही बोले तो मजे इस जंगल में ना, जंगल में घूमने के और कुछ मजे। खैर मैं जंगल में घूमते रहता हूँ, तो खिलाफ देख सकते हैं यहाँ से पीछे के मौसम, पीछे की नज़रा देख सकते हैं पीछे की, और चारों तरफ नज़र भी देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया नज़रा है, और यहाँ पहाड़ी साइड भी देख सकते हैं भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल नंगे पहाड़। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा के दूसरी साइड में मुड़ा के, तो खिला में देखे रहना, तो पहाड़ में दिखा रहा हूँ आपको अगले साइड, तो देख लो खिला में ये है पहाड़ देख सकते हैं आप, पहाड़ के पहाड़, और पहाड़ पर धूप अभी आ चुका है ये देख सकते हैं धूप। और खिला में यहाँ पेड़ देख सकते हैं, और यहाँ कुछ पेड़ पौधे नहीं है, तो मैं इसमें घूम रहा हूँ अभी। तो खिला में यहाँ बिल्कुल भाई पर बर्फ़ की चोटी भी दिख रही है, तो मैं खिला में अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं बर्फ़ दिखाता हूँ आपको कि बर्फ़ कैसा है इधर। तो बर्फ़ भी यहाँ होती है तो थोड़ा दूर होती है, मतलब क्यों होती है तो ये थोड़ा मतलब कि बहुत दूर है। खिला में देख सकते हैं आप पहाड़ कितने बड़े बड़े पहाड़ है, और देख सकते हैं आप इधर से मौसम, और इधर देख सकते पत्थर भाई कितने बड़े पत्थर मेरा खाटू देख सकते खिला में खुद चल रहा है, और इधर देख सकते पहाड़। मैं ब्लॉग बना नहीं पा ढंग का, क्योंकि यार खाटू ने मेरे को यहाँ अरे बहुत कर दिया इसने, मैं ढंग का ब्लॉग बना नहीं पा रहा वहाँ, खाटू मेरे हाथ में आ गया। और देख सकते यहाँ से मौसम और शानदार देख सकते पहाड़ की साइड क्या है बढ़िया यार, एक दिन एक बार आते घास था, अब तो लोगों ने घास भी काट दिया, देख सकते पहाड़ मौसम। ओ भाई इस मौसम के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो खिला में आप देख सकते हैं अभी हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम अभी बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, और यहाँ के मौसम देख सकते हैं धूप आने वाली है पीछे से आगे से पीछे पीछे सात जगह से। तो अभी यहाँ रेस्ट के लिए बैठे हैं, देख सकते हैं यहाँ 3 बंदे रेस्ट के लिए बैठे हैं, और खाडू इधर देख सकते हैं आप। तो ये खाडू बेचारा आज लास्ट दिन है ना, क्योंकि क्या बताऊँ बता नहीं सकता मैं। तो खिलाड़ी में देख सकते हैं यहाँ से पार हिमालय दिखता है बिल्कुल साफ साफ, तो देख सकते हैं खिलाड़ी में बिल्कुल हिमालय, और बिल्कुल देखने में सुंदर दिख रहा है। तो अभी धूप की रोशनी से नहीं दिख रहा इतना, तो पालसा धूप आ चुकी है तो हमारे पास धूप नहीं आई। तो हम आते आते हमने बहुत कितने 6 बजे चले होने, तो हमने 2-3 घंटे लगा दिया, तो बस हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगा और व्यूज, तो अभी वीडियो तक बने रहना। तो खिलाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर चलेंगे हम यहाँ से। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ से कि चारों तरफ दिखाता हूँ मैं आपके पास हिमालयों की, तो देखो तो कैसा व्यूज है। खिला में देख सकते हैं आप पार धूप की क्या ही बढ़िया धूप आई है, देख सकते हैं इधर धूप और इधर भी धूप और इधर भी धूप, इधर भी धूप,
खिला में इधर माउंट एवरेस्ट जैसा पर बर्फ देख सकते हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल दिख रहा है बढ़िया, और व्यूज भी कितने मस्त है। तो मैं कभी जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा वहाँ से व्यूज। तो खिला में इधर नीचे से हम इतना ढांक से आया, देख सकते बिल्कुल ढांक ढांक था। तो हम खिला में भी हमने जाना इधर ऊपर से, तो धूप यहाँ खिला में सामने तक पहुँच गया है। जब हम यहाँ से फिर मिलते हैं ऊपर जहाँ कि हमने जाना, तो वहाँ पे मैं व्यूज दिखाऊंगा। तो धूप पाली झाड़ देख सकते कितना पाली झाड़ धूप आ चुकी है बिल्कुल शानदार से। तो हम अब चलने वाले यहाँ से, तो वीडियो बने रहना, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको क्लियर आज जंगल का व्यू। तो खिला में हम अभी थोड़ा कुछ ऊपर की ओर जा रहे हैं, और दूसरी बार हाँ देख सकते हैं बिल्कुल एक पेड़ भी बिल्कुल नंगा है, बिचरा सूख गया, इसका गारंटी चल गया, तो इसका गारंटी बिल्कुल खत्म हो गया ना। तो यहाँ के पीछे का मौसम देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का पीछे की मौसम, और पीछे के मौसम आपको जो लग रहा है ना मेरे को बताना कि कैसा व्यूज लग रहा है, जो कि यहाँ का व्यूज देख सकते हैं क्या है, मस्त प्योर व्यूज है। और खिला में इस व्यूज में अगर आप कभी आएंगे ना तो मुझको जरूर बताना कि मैं आया था इस पे, तो आप भी ब्लॉग बना सकते हैं ऐसे, मतलब जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो मैं खिला में आपको पहाड़ों की व्यूज लाकर आता हूँ, यहाँ के पहाड़ की पहाड़ जैसे इधर की पहाड़ जैसे बहुत बड़े पहाड़। तो ये है खिला में हिमाचल की ब्लॉग, तो हिमाचल की खिला में ब्लॉग तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसा है हिमाचल का। तो खिला में ये है हिमाचल, खिला में हिमाचल एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और यहाँ से देख सकते सुंदर जो कि आज चारों तरफ से भाई, इसको बोलते हैं व्यू, जो कि मस्त व्यू है खतरनाक। तो खिला में इसी व्यूज के आते हुए आज हम पहुँच गए बहुत बड़े पहाड़ में, तो स्कूल भी नहीं गया खिला में। तो देख सकते हैं आप पीछे के पहाड़, और पीछे के पहाड़ भी देख सकते हैं, और इधर के पहाड़ भी देख सकते हैं। कितना अच्छा लगा आप मेरे को लाइक और कमेंट बताना, नीचे नीचे कमेंट है नीचे पर जरूर बताना कि है कैसा। तो खिला में पहाड़ मेरे पीछे की और भी हिमालय है, इधर देख सकते हैं हिमालय है, खिला में देख नहीं रहा चमक रहा है, तो इधर हिमालय है। तो उसमें आपको सबसे पहले फोटो भेजूंगा इसके ऊपर, तो कैसा है तो आप बने रहना। तो मिलता है न्यू ब्लॉग में। खिला में हम अभी रेस्ट कर चुके हैं, अब हम जाने पानी लाने, खिला देखते कैनी मेरे पास दो कैनी, तो हम खिला पानी लाएंगे अभी, फिर उसके बाद हम फिर रेस्ट करेंगे। तो खिला में अभी हम जा रहे हैं कि पानी भरने, थोड़ा दूर जाना पड़ता है मेरे को, तो खिला पानी लेने जाते तो कैनी में खाना बनाना होगा, इसलिए हम खिला में पानी लेने जा रहे हैं अभी। तो देख सकते रास्ता इधर से, और रास्ता यहाँ बड़ा डेंजर भाई, पीछे अंकल, और देख सकते मैं आगे। तो खिला में यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, तो खिला में देख सकते रास्ता, इसको बोलते हैं रास्ता, और यहाँ ढाके ढाके देख सकते पाली साइड से, अगर आप थोड़ा सा भी गिर जाएंगे ना यहाँ से तो आप बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई खाई तक जाना पड़ता है। तो हम पानी के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो बस जाते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको पानी की जगह पे। तो खिला में हमने पानी भर दिया, देख सकते हैं आप खिला में ये पानी देख सकते हैं आप, ये पानी खिला में भर दिया, और परे पानी भर रहे हैं अंकल, देख सकते हैं आप यहाँ पानी भरेंगे, थोड़ा गहरे जगह पड़ा था, हम पानी भर दिया, देख सकते आप पानी ये है। तो हम जाएंगे अब यहाँ से घर की ओर, घर की ओर नहीं मतलब टेंट की ओर, खिला में से पानी ये है, तो यहाँ देख सकते पानी भर रहे, तो हम जाएंगे आगे की ओर, दिखाऊंगा मैं आगे जाके। खिला में पानी तो भर दिया, अब चलते हैं, खिला में पानी तो भर दिया, अब जाते हैं टेंट की ओर। तो खिला में हम पहुंच गए अभी, देख सकते हैं हम, और पीछे की पहाड़ देख सकते हैं बिल्कुल क्या शानदार पहाड़ दिख रहा है। तो इस टाइम पे हम अभी है बहुत ऊपर, कई गुना हाइट, और इस टाइम में सिग्नल भी नहीं है मेरे फ़ोन पे। तो खिला में मैं ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को जंगल के ब्लॉग बनाने में अच्छी लगती है। और खिला में मैं यहाँ से अभी ऊपर की ओर चल रहा हूँ, तो पीछे की ओर भी देख सकते व्यूज कितना अच्छा लग रहा है, आपको कमेंट पर बताना कि कितना अच्छा है। तो सूरज भी बहुत अच्छा पड़ गया, सूरज लगा है। और खिला में हम जाने वाले हैं 10-11 बजे यहाँ से, तो अभी हम बस घूम ही रहे इधर, और सूरज भी देख सकते हैं पाली साइड कि कितना शानदार सूरज है, जो कि दिखने में बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। तो खिला में आप क्या बोलते हैं इस जंगल के लिए, और भाई मस्त क्या इधर देखे चारों तरफ से मौसम, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है घूमने में। तो इधर अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पहाड़ पता नहीं किससे पहाड़ है मेरे को पता नहीं है, तो खिला में पहाड़ भी दिखाऊँगा आपको, जो कि यहाँ का पहाड़ है। और यहाँ का पहाड़ भाई यहाँ सुनसान है बिल्कुल, ना चिड़िया है ना कुछ है, बिल्कुल कुछ ही नहीं है। तो मैं अभी यहाँ थोड़ी से घुस चुका हूँ, बोले पता नहीं कैसे कैसे जगह पे है। तो यहाँ हिमालय भी दिख रहा है पाली साइड से, और चारों तरफ से मतलब मस्त व्यूज है मस्त। तो खिला मैंने खाना भी खा लिया ना, सबसे पहले जिस टाइम में आया मैं तो खाना मैं उसी टाइम पे खाया, क्योंकि मेरे को भूख लग गई थी ना ज़ोर से इसीलिए। तो अब खिला में चल गया हमें ऊपर, तो खिला में देख सकते हैं यहाँ ऊपर क्या शानदार है व्यू भाई, मस्त जो बोले कुछ तो मस्त। और पीछे की देख सकते हैं आप, पीछे की व्यूज ये है तो खिला में, और इधर की व्यूज ये है खिला में देख सकते हैं आप। तो यहाँ थोड़ा ढाक में ऊपर आ गया अभी पत्थर में थोड़ा चोटी पे, क्योंकि यहाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो खिला में यहाँ का चोटी ये है देख सकते हैं, और यहाँ से पता नहीं कुछ गया है नीचे से, जंगली मुर्गा है कुछ मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप भाई मस्त, कुछ भी गल ना मस्त लग रहा है यहाँ। तो यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ से मौसम की क्या बढ़िया मौसम है, नीचे की मौसम भी देख सकते हैं बड़ा शानदार मौसम है, और इधर पीछे की और भी, तो और इधर की भी, और पार हिमालय की भी देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हिमालय, जो कि बहुत शानदार हिमालय है। और
यहाँ से चारों तरफ से मौसम ना और कुछ सुंदर, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अगर घूमने आना तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में ढंग का ब्लॉग बना नहीं पाया ना, क्योंकि खिला में उस टाइम पे मैंने कुछ खड्डू पकड़ा था बेचारा, उस खड्डू को अब ले गए ना और कहीं, तो खिला में यहाँ खिला में अभी ऊपर बैठा हूँ, तो आज मैं स्कूल भी नहीं गया खिला में। तो आज मैं आपके लिए सबसे ब्लॉग लेकर आया कि सोचा मैंने कि ब्लॉग बनाऊंगा आज, तो हिमालय के पहाड़ भी दिखाऊंगा मैं कि पहाड़ कितने सुंदर हिमालय है। तो अगर आशा करता हूँ अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। पत्थर में क्या हो सकता है, ये चीज़ क्या है, और आपको पता हो तो बताना, तो देख सकते हैं क्या हो सकता है।